नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बांसुरी के बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बांसुरी के बारे में कुछ चीजें बताई थी, लेकिन बांसुरी जो है दोस्तों वो घर की पॉजिटिव एनर्जी बहुत प्रकार से दुगनी तिगनी कर सकती है। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा वास्तु दोष दूर करने में। बहुत सरल सरल उपाय है, अगर आप ये करोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको वीडियो के एंड में प्रेस करना प्लीज मत भूलिएगा। घर की मुख्य दिशाएं जो है दोस्तों, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी के पश्चिम, ये हो गई घर की मुख्य दिशाएं। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए हम सभी अपने अपने तरीके से हम सब प्रयास करते हैं कि पैसा कमा कर लाए, घर में सभी से मिक्स होकर रहे, घर में कुछ वास्तु उपाय है, कुछ वास्तु रेमेडीज है, वो सब करे, पूजा करे, सब चीजें हम करते हैं क्योंकि घर में सुख समृद्धि आनी चाहिए। परंतु कई बार हम हमारे न चाहते हुए भी परिवार में अशांति का माहौल बन जाता है और हमें समस्या का समाधान नहीं नजर आता कि अब क्या करें। हमने ये उपाय किए हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, हमेशा अशांति रह रही है। वास्तुशास्त्र में ऐसा मानते हैं कि इन समस्याओं के समाधान के लिए हम बांसुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अभी बांसुरी का इस्तेमाल करना है मतलब कैसे करना है ये हम देखेंगे। इसको रखने से कई प्रकार के वास्तु दोष जो है वो दूर हो जाते हैं एवं घर में खुशहाली बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण हर पल बांसुरी को अपने साथ रखते हैं। प्रेम और शांति का संदेश देने वाली बांसुरी जो है ये उनकी शक्ति है। दोस्तों, बांसुरी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी हो, तबला हो, हारमोनियम या गिटार या लेटेस्ट कोई भी वायलिन, कोई भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो अगर आपके घर में रहता है तो एक अलग प्रकार की एनर्जी आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ाती है। जब भी आप वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, प्रॉपर तरीके से बजाते हो, तो वो आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाता है। अब देखिए, आप कोई भी गिटार का एक आधा ट्रैक सुनिए यूट्यूब पे, आपको बहुत फ्रेश लगेगा। म्यूजिकल थेरेपी बहुत ही अच्छी होती है। तो इसी प्रकार एक बांसुरी जो है, बांसुरी में जब हवा एंटर करती है तो बाहर निकलते वक्त वो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी लेकर बाहर निकलती है जो आपके घर की निगेटिव एनर्जी को दूर करती है। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लकड़ी की जो बांसुरी होती है या फिर आजकल स्टील की भी मिलती है, अलग अलग टाइप की बांसुरियां मिलती है। इस बांसुरी के साथ में श्री कृष्ण जी का भी वास होता है आपके घर में। वास्तु दोष दूर करने के लिए जनरली ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र का जाप आप करोगे और आप फील करना चालू करोगे कि आपके घर के निगेटिव एनर्जीज कम हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही अगर इतनी पॉजिटिविटी बढ़ती है तो उनकी ये बांसुरी अगर आप, जो मैं बताने वाला हूँ, उस तरीके से आप यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। घर में हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी। बांसुरी रखने से घर में कभी भी धन एवं ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए यह पूजनीय भी है। मन में आनंद की अनुभूति होती है। बांसुरी का जो स्वर है, जैसा मैंने अभी बताया, वो प्रेम बरसाता है। इसलिए जिस घर में यह होती है या इसके स्वर गूंजते ही उस परिवार में वातावरण आनंदी बन जाता है। यदि मानसिक तनाव अधिक रहता हो या पति पत्नी के बीच अनबन होती हो तो सोते समय आपके सिर हाने, समझिए अगर पति पत्नी में अनबन है तो आपको सोते समय आपके सिर हाने एक बांसुरी रखना है, आपके तकिए के वहां पे एक बांसुरी रखना है। ऐसा रखने से आपको जो मनमुटाव है वो दूर होने में मदद मिलेगी और आपका जो रिश्ता है उसमें एक मधुरता आएगी। उत्तर दिशा में नाचते हुए मोर या राधा कृष्ण का जो
जो पेंटिंग है वो अगर आप रखते हो तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये जो नॉर्थ वेस्ट होता है या फिर आपका समझिए ये मास्टर बेड है साउथ वेस्ट में, तो ये साउथ वेस्ट के जो नॉर्थ वेस्ट है, इस रूम का जो नॉर्थ वेस्ट है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप फोटो लगाते हो ईस्ट फेसिंग राधा कृष्ण का एक फोटो यहाँ पर लगाते हो तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यहाँ पर बांसुरी रखते हो तो भी आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद में जो है संतति प्राप्ति की जिनको इच्छा है वो दाम्पत्य श्री कृष्ण भगवान को जो बाल रूप या गाय के बछड़े की तस्वीर आपके जो शयन कक्ष है वहां पर लगा सकते हो। बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर आप आपके बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लगाइए, या फिर आपको आपके सामने अगर लगाना है, आपका यहाँ पर बेड है, यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो। इस प्रकार से आप लगाइए कि आपकी नजर उसके ऊपर हमेशा आते जाते वो फोटो के ऊपर जाती रहेगी। इस प्रकार से उस फोटो को आपको लगाना है। बांसुरी शांति एवं समृद्धि का प्रतीक माना गया है, अतः घर के जो मुख्य द्वार पर बांसुरी की सुंदर सी बांसुरी लटकाते हैं समृद्धि को आमंत्रित किया करने का वह एक प्रतीक है, और उन परिवार पर हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी। वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, कभी भी अशांति नहीं होगी, क्योंकि वो जो भी बांसुरी आप मुख्य द्वार के ऊपर लगाएंगे उसको आपको साफ भी रखना है दोस्तों। एक बार लगा दिया उसको छोड़ दिया उसमें जाले लग गए ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसमें जो भी हवा जाएगी मेन रोल वो है, उसमें हवा जाएगी वो हवा एक मधुर स्वर लेकर बाहर आएगी, वो एक जिसको हम साइंटिफिकली कह सकते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी लेकर बाहर आएगी जो निगेटिव एनर्जी कम करेगी। इसलिए उसमें अगर गंदगी हो गई तो पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें होना, इसलिए उसको आपको साफ रखना भी उतना ही जरूरी है। घर में कहाँ हो बांसुरी? घर में बांसुरी ऐसे स्थान पर रखनी या लगानी चाहिए जहां से बार बार आपकी नजर उसके ऊपर पड़नी चाहिए, वो साफ सुथरी आपको करना इजी हो जाए। ऐसा करने से सकारात्मक विचार भी आप में बने रहेंगे और उनकी वृद्धि होगी और आपको सफलता प्राप्त होने में मदद होगी। यदि घर में कोई सदस्य बीमार रहता है तो उसके कमरे के दरवाजे के ऊपर अथवा उसके सिरहाने आप बांसुरी रख सकते हो। छोटी मोटी बीमारी किसी को हमेशा चलती रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, यार वो आज क्या हो गया, आज पैर दुख रहे, कल सर दुख रहा है, पीठ दुख रही है, लेकिन कुछ रुक ही नहीं रहा है, तो उसके सिरहाने आप बांसुरी रखिए, या फिर उसके रूम का जो डोर है वो डोर के ऊपर आप बांसुरी लगा दीजिए तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा वहां की निगेटिव एनर्जी कम होने में। अगर आपका व्यापार है और आपको कुछ कठिनाइयां आ रही है व्यापार में, तो आपके कार्यालय या दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर आप दो बांसुरी लगा दीजिए। आपका ऑफिस हो, आपका शॉप हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको जैसा चाहिए वैसा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप आपका जो भी शॉप है ये है उसका जो मेन डोर है उस डोर के ऊपर दो बांसुरी आपको लगाना है, ये ध्यान में रखना है। आध्यात्मिक रूप से उन्नति के लिए या फिर किसी भी प्रकार की साधना में सफलता की पूर्ति के लिए अपने पूजा घर के दरवाजे पर बांसुरी लगाने से शीघ्र ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं होनी चाहिए, सीधी नहीं लगाना है, बल्कि इसे तिरछा लगाना है, तिरछा ऐसा लगाने से शुभ परिणाम देती है। समझिए ये दीवार है, ये जो दीवार है इस दीवार पर आप बांसुरी कैसे लगाओगे? बांसुरी आपको ऐसे नहीं लगाना है कि ऐसे सीधी आपने लगा दी यहां पर, ऐसा सीधा नहीं लगाना है, इसको आपको क्रॉस लगाना है दोस्तों। क्रॉस में आप लगाइए तो अच्छा रहेगा, इसमें प्रॉपरली एयर फ्लो होगा और आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि बांसुरी जो है वो सीधी नहीं लगाना है दीवार पे, उसको क्रॉस लगाना है। अगर समझिए बेड है, बेड के ऊपर से ओवरहेड बीम जा रहा है यहां से, उसके नीचे सोना नहीं चाहिए लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो आप इस बीम को बीम के एक साइड में आप ऐसा
तिरछी बांसुरी लगा सकते हैं, दोनों साइड में लगा दी तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट एक साइड में तो भी आप एक तिरछी जो क्रॉस है क्रॉस इसमें आप बांसुरी लगा सकते हैं। ये कुछ फायदे हैं दोस्तों बांसुरी के, अगर आप ये करते हो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको प्रेस करना प्लीज मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।